तो हम आपको बहुत खुश आमदेद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हमें बहुत खुशी है सब कम्युनिटी को कि एक बहुत ही क्रेडिबल और बहुत ही राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वी वर मिसिंग फॉर लॉन्ग टाइम। सो हम सब बहुत खुश हैं, हम आपको बहुत वेलकम करते हैं। और अभी रिसेंटली जो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, आप कैसे देखते हैं कि ये दोबारा से नॉर्मल होंगे या अभी एस्केलेट हो जाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह कोशिश है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान के साथ इस वक्त है कि हिंदुस्तान को यानी द वर्ल्ड शुड काउंसिल इंडिया रिस्ट्रेंट, और वो जो एक फ्रेंजी जो है वो जो बिल्डअप की जा रही है वो अच्छी नहीं है, और कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जंग को शुरू करना आसान है लेकिन फिर उसको ख़त्म करना आपके हाथ में नहीं होता। तो इस हवाले से हमने अपने तावन का यकीन दिलाया है, अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो वो लेके आए, तो और उसमें पाकिस्तान जो है वो बैठ के उसको इन्वेस्टिगेट भी करेगा, और प्राइम मिनिस्टर ने ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए भी कोऑपरेशन और डायलॉग की बात की है, उसमें टेररिज्म भी शामिल है क्योंकि हम खुद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्टेड हैं। तो उम्मीद है कि बेटर सेंस जो है वो हिंदुस्तान में प्रिवेल करेगा, और जिस तरह से कश्मीरी आवाम को पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से उन पे हमले हो रहे हैं, कुछ पाकिस्तानी हमारे जो हैं उन पे हमले हुए हैं, तो ये बुनियादी तौर पे पूरे खत्ते के अमन के लिए और फिर दुनिया के अमन के लिए, क्योंकि बाहर सूरत ये दो न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, तो कोशिश है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हालात मज़ीद ख़राब नहीं। जी ऑनरेबल एम्बेसडर, कितने पेशेंट और कितने अच्छा प्रीच कर रहे थे, पाकिस्तान ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के लोगों को कि हम बहुत ज़्यादा पीस लविंग पीपल हैं, तो भारत को ये बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि आप सरकमस्टेंसेस नॉर्मल होने चाहिए अभी। थैंक यू।